नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई पूरी करने का दिया आश्वासन। नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, समान काम के बदले समान वेतन के मामले को लेकर जल्द ही उनके भाग्य का फैसला होगा। पहले 11 सितंबर को होने वाली सुनवाई स्थगित हो जाने के बाद मामला लटकता नजर आ रहा था। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय मनोहर सप्रे एवं उदय उमेश ललित के समक्ष बिहार के शिक्षक संघ की ओर से अपील करते हुए कहा गया कि आप दोनों के द्वारा ही 11 सितंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अचानक 11 सितंबर की सुनवाई के लिए जारी सूची से यह संघों की ओर से अपील किया गया कि इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कोई दूसरी तिथि तय करने की कृपा की जाए। बता दें कि 11 सितंबर को होने वाली सुनवाई की सूची जारी की गई तो उसमें समान काम समान वेतन का मामला गायब था, जिसके बाद संघ की ओर से आज अपील की गई थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने समान काम समान वेतन मामले को लेकर सरकार को कई बार फटकार लगा चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर का डेट देते हुए कहा था कि अटॉर्नी जनरल इस दिन अपनी बहस पूरी कर लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि शिक्षक संघों के शेष अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाएगा, लेकिन जब 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 सितंबर को होने वाली सुनवाई की सूची जारी की गई, जिसमें समान काम की सुनवाई का मामला सूची से गायब देखा गया। इधर शिक्षक संघ की इस अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल 11 सितंबर को तिथि निर्धारित करने का आश्वासन दिया है। आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षकों द्वारा समान काम समान वेतन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट खबर से अपडेट रहने के लिए मगध संवाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।